हेलो फ्रेंड्स, PIB प्लस हिंदू एनालिसिस 14 अक्टूबर 2017। तो जो रोज़ रिपीट करता हूँ वो आज भी कर रहा हूँ। PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में नोट्स की, ठीक है? तो लिखने की चिंता मत करना। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक भी अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक्स जो हैं आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बिल्कुल शांत ग्रुप हैं, सिर्फ जो पढ़ाई की रिलेटेड बातें हैं वो होती हैं, ठीक है? तो चिंता मत करना कि फालतू डिस्टरबेंस वगैरह होगी। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप क्लियर कर सकते हो, और रेगुलरली आपको इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। फटाफट से अब देख लेते हैं GS2, ठीक है? तो एक ये स्कीम लॉन्च की है सरकार ने, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ये स्कीम है। इस स्कीम के अंडर है क्या वो देख लेते हैं। अंडर संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, एटलीस्ट वन विलेज हैविंग अ मिनिमम ऑफ 100 हाउसहोल्ड्स, ठीक है, एक गांव जिसमें कम से कम 100 घर होने चाहिए, विल बी आइडेंटिफाइड इन ईच ऑफ द रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है? जो आपकी रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी कंट्री में, कुछ 602 या 603 हैं, उन रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में से हर डिस्ट्रिक्ट में से एक गाँव लिया जाएगा। उस गाँव में कम 100 घर होने चाहिए। Where in endeavor will be made to cover all households of that identified village with a minimum of 1 RPLI, ठीक है? तो जो विलेज चुना जाएगा, ठीक है, इस रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में से, हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में से जो विलेज चुना जाएगा, उस विलेज के हर हाउसहोल्ड में, ठीक है, मिनिमम एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सरकार देगी, ठीक है? तो ये मेनली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए है, ठीक है? कवरेज ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द आइडेंटिफाइड संपूर्ण बीमा ग्राम विलेज इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ठीक है? तो इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगी और जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड होगा लोगों को, उसको इम्प्रूव करने के लिए है। वैसे ही एक और स्कीम जो है वो शुरू की है, वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ही है, इनिशिएटिव फॉर एक्सपेंशन ऑफ क्लाइंटेल बेस फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो स्कीम है उसका जो क्लाइंट बेस है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी तक क्या था, अभी तक जो आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस था उसके बेनिफिट्स जो थे सिर्फ कन्फाइंड थे, वो कहाँ किन किन को मिलते थे, गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है? लेकिन अब इसका जो क्लाइंटल बेस है उसको एक्सपैंड करने की बात करी है, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी प्रोफेशनल्स को भी, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, बैंकर्स, एंड टू इम्प्लॉयज़ ऑफ लिस्टेड कंपनीज ऑफ NSE, BSE। तो ये लोग भी जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। पहले ये लोग नहीं ले सकते थे, पहले सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले सकते थे। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू एनलार्ज द ओवरऑल कवर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड ब्रिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? तो पहले लिमिटेड नंबर ऑफ लोग आते थे, अब जो लोगों की क्वांटम होगा ये स्कीम लेने का वो बढ़ जाएगा, ठीक है? और ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, पोस्टल पॉलिसीज़, जो मिनिस्टर साहब ने बोला कि इन पोस्टल पॉलिसीज़ का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि एक तो सरकारी पोस्टल पॉलिसीज़ हैं, तो एक इन पे जो प्रीमियम देना पड़ता है बंदे को वो कम देना पड़ता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता, और बोनस जो रहता है वो हाई रहता है। प्राइवेट, अगर हम सेक्टर से कंपेयर करें, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर से, तो आपको प्रीमियम कम पे देना पड़ता है, लेकिन बोनस जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है। अबाउट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अब देख लेते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कुछ 1884 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है? गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया था 1884 में। अभी तक गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही था, लेकिन अब इसको जो है क्लाइंटल बेस इसका बढ़ा देंगे। पोस्टल रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस Introduced in March 24, 1995 on recommendation of Malhotra Committee, provides insurance cover to people residing in rural areas. ठीक है, तो ये specifically एक rural areas के लिए scheme बना दी थी, especially weaker section and women living in rural areas. Low premium and high bonus is the unique feature, जैसे हम आप अभी discuss कर चुके हैं कि इसकी क्या advantage रहती है private insurance sector के ऊपर। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दिया गया था, ठीक है? इसको ओपन कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था 2000 में, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर थे उनका इंश्योरेंस एरिया में आना शुरू हो गया था, ठीक है? लेकिन उसके बाद से आपकी एक IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना दी गई थी रेगुलेशन के लिए इंश्योरेंस सेक्टर को। लेकिन जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स हैं, वो इतने ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो अब सरकार चाहती है कि अपने आप में चेंज लेके आया जाए और इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। SC asks center to strike a balance on Rohingya issues. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर को बोला है कि भैया जो ये रोहिंग्या का इशू चल रहा है उस पर थोड़ा सा बैलेंस लेके आने की बात करो। बैलेंस कहाँ,
क्योंकि जो सिविल राइट ग्रुप्स थे या जो रोहिंग्या ग्रुप्स को कम्युनिटी को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है भैया, हमको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन लोगों को तुम डिपोर्ट करने की बात कर रहे हो उस कंट्री में जहाँ पे इनकी मास किलिंग्स हो रही हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था। लेकिन जो सरकार थी, सरकार का ये कहना था कि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि उनका ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा जो रोहिंग्या कम्युनिटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यार ठीक है, तुम्हारी बात भी हम ठीक समझ रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम भी है एक, तो आपको दोनों के बीच में एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया तो जो सरकार ने अभी सर्कुलर इशू किया था कुछ टाइम पहले कि भाई हम सारे रोहिंग्यास को डिपोर्ट करेंगे, वो इनवैलिड हो गया। नहीं, वो अभी तक वैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई जजमेंट पास नहीं की है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया है। ठीक है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, क्योंकि कोई ना तो विड्रॉल ऑर्डर करने की बात की है ना रिटर्न जजमेंट दिया, क्योंकि सरकार का भी ये मानना है कि ये जो मेनली डिपोर्टेशन वाला इलीगल इमिग्रेंट्स का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और इसमें जुडिशरी को ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। और दूसरी चीज़, सेंटर ने ये भी कहा है कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई जजमेंट देने से अपने आप को रिफ्रेन करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस पे हमारी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने जो रेफ्यूजी से लेके कन्वेंशंस जो हैं वो नहीं साइन किए हैं, तो अगर हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करती है तो जो हमारी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है, जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंड है, वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साबरीमाला एंट्री रो गोज टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ एक इशू चल रहा था, कुछ राइट ग्रुप्स ने, वुमेन राइट ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाला था। इशू क्या है, जो आपका साबरीमाला टेम्पल है, ठीक है, साउथ में एक साबरीमाला टेम्पल है, वहाँ पे लॉर्ड कार्तिकेयन हैं, उनकी पूजा की जाती है, तो वहाँ पर वुमेन का आना अलाउड नहीं है। जो 10 to 50 एज ग्रुप, जो मेंसुरेशन एज होती है, जिस एज ग्रुप में वुमेन जो है जनरली मेंसुरेट करते हैं, तो उस एज ग्रुप के वुमेन का वहाँ पर आना जो है वो मना है। उसका रीज़न ये दिया गया है कि जो लॉर्ड कार्तिकेयन है, ही इज़ सिटिंग इन द ध्यान पोजीशन, ठीक है, तो वो एक साधु की पोजीशन में वहाँ पर बैठे हैं, तो जिससे उनकी जो तपस्या है वो भंग होने का रहता है, तो जो ये वुमेन है इनको उस टेम्पल में जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इस टेम्पल के लिए एक यात्रा होती है, जैसे आप लोग यात्रा करते हैं ना, ठीक है, पैदल जाना होता है, कुछ 10-15 किलोमीटर का आपका वॉकिंग का वॉक होती है, तो वो वॉक भी नहीं ले सकते हैं, वो वॉक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 to 50 एज ग्रुप वाली जो वुमेन है वो बिल्कुल इन समय से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन राइट ग्रुप वुमेन्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो है केस डाला था कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये वुमेन का वॉयलेट हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रांट करता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेफ़र कर दिया है एक फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये रेफ़र कर दिया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का काम ये रहेगा कि वेदर द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन टू प्रे एट द प्लेस ऑफ देयर चॉइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोलली बेस्ड ऑन अ बायोलॉजिकल फैक्टर एक्सक्लूसिव टू द फीमेल जेंडर, कि क्या ये जो मेंस्ट्रुएशन का रीज़न लेके जो फीमेल के अगेंस्ट बायस्ड किया जा रहा है, उन्हें वर्शिप नहीं करने दिया जा रहा है, क्या वो उनका राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है। द कोर्ट क्वेश्चन हाउ अ टेम्पल मैनेज बाई स्टेचुटरी बोर्ड द ट्रेवनकोर देवस्वम बोर्ड एंड फाइनेंस्ड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरला एंड तमिलनाडु कैन इंडल्ज इन प्रैक्टिस वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स मोरालिटी। अब सरकार का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो साबरीमाला टेम्पल है, इसकी जो फंडिंग होती है, एक ये स्टेचुटरी बोर्ड इसको इसकी मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है, और इसकी जो फंडिंग होती है वो केरला और तमिलनाडु के कंसोलिडेटेड फंड से होती है। तो क्या जो मंदिर, जो स्टेचुटरी बोर्ड जिसकी मैनेजमेंट कर रही है और जिसकी फंडिंग सरकार के फंड से हो रही है, क्या वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट टू इक्वालिटी मेंशनड है वो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई रिजल्ट दे सकता है? ठीक है, दूसरी चीज़, अब एक इशू जो जिन लोगों, जो लोग ये स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है जो हम रोक रहे हैं, ये हमारी मान्यता है, तो उन लोगों का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में आपका ये लिखा है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं वो अपनी जो इंटरनल मैनेजमेंट है और जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनेगा उसको ये भी देखना होगा कि क्या ये आर्टिकल 26 के अंडर जो ये अयप्पा डिवोटीज़ हैं जो साबरीमाला टेम्पल में, क्या वो एक अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाया
या रिलीजियस डिनोमिनेशन है, और क्या उनको ये आर्टिकल 26 के अंडर जो उनका राइट है, अगर ये वॉय इक्वालिटी जो वुमेन को दे दी जाती है तो क्या उनका वो आर्टिकल 26 वॉयलेट होगा, और अगर वॉयलेट होगा तो उसके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये काम भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट बेंच का देखना। ठीक है, द साबरीमाला टेम्पल रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन एज बिटवीन 10 and 50 फ्रॉम टेकिंग द पिलग्रिमेज ऑफ साबरीमाला, विच मीन्स वुमेन आर बैंड फ्रॉम इवन मेकिंग द एडियस ट्रैक टू द श्राइन। ठीक है, तो ट्रैक करके जाना पड़ता है श्राइन तक, तो वो ट्रैकिंग भी जैसे मैंने आपको बताया वो भी नहीं कर सकते। और 1991 में भी ये केस गया था केरला हाई कोर्ट के पास, तो केरला हाई कोर्ट ने सपोर्ट किया था जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही है औरतों पे। केरला हाई कोर्ट का ये कहना था कि इट हैड फाउंड दैट द रिस्ट्रिक्शन वॉज इन प्लेस सिंस टाइम इमेमोरियल एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। केरला हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये तो सदियों से चली आ रही एक प्रथा है और इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, SC डज अ रीथिंक ऑन डाउरी हरासमेंट रूलिंग। तो अभी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच ने, जिसमें दो जजेस AK गोयल और UU ललित, उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो सेक्शन 498 है आपका इंडियन पैनल कोड का, वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ उसका किया जा रहा है। ठीक है, जो आपका सेक्शन 498 है वो डाउरी हरासमेंट से रिलेटेड है, तो उसका अब्यूज़ क्या किया जा रहा है, उसका अब्यूज़ ये हो रहा था कि जो वुमेन थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे इशूज़ पे पुलिस के पास जाकर जो डाउरी का चार्ज लगाने लग गए थे, ठीक है, हस्बैंड पे या हस्बैंड की फैमिली पे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि छोटी सी कोई नोकझोंक हो गई मियाँ बीवी में, तो उसकी वजह से भी पुलिस के पास चले गए और उनको कह दिया कि भैया यहाँ तो मुझसे डाउरी मांग के मेरे पे अत्याचार किया जा रहा है। तो इसका इल इफेक्ट क्या हो रहा था कि इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ता था हस्बैंड का, और अगर फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जो हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स हैं अगर उनके अगेंस्ट भी चार्ज है, तो उनके ऊपर भी जो था इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता था पुलिस को और इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ता था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी होने लगा था, काफ़ी वुमेन ऐसी भी थे जो गलत इल्ज़ाम लगाने लगे थे। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजेस ने कहा कि भैया अब इसको थोड़ा सा रोकना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर किसी हस्बैंड के बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ पूछा नहीं जाएगा, उन्हें एक बार तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो हरासमेंट थी वो ओल्ड एज लोगों की, और इनफैक्ट वुमेन की, जो हस्बैंड के साइड वुमेन फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा जो थी हरासमेंट हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उसकी जगह क्या होगा, एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, फैमिली वेलफेयर कमेटी का क्या काम होगा, जब कोई पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाएगा तो उस फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो उस केस को स्टडी करेगी। अगर वो फैमिली वेलफेयर कमेटी ये फाइंड आउट करती है कि हाँ भाई ये जो केस है ये जेन्युइन केस है, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो उन लोगों को, हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो कमिटीज थी, इसमें कोई आपके मतलब सरकारी लोग नहीं होंगे, इसको बनाया जाएगा विद सोशल वर्कर्स रहेंगे, इसमें होम मेकर्स रहेंगे, रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं वो रहेंगे, और बाकी के जो सिटीजन्स हैं उनको मिला के ये जो कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूटर्न ले लिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूटर्न ले लिया है, तो 3 judge bench जो जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा हेड कर रहे हैं, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में ये बोला कि जो 498 का पर्पस था मेनली वो ये था कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वुमेन के बचाए जा सकें। ठीक है, और जजेस ने ये कहा, जो कल जजेस ने बोला, उनका ये कहना है द जजमेंट ऑफ जुलाई 27 सीम्स टू हैव एंटर्ड द लेजिस्लेटिव डोमेन, वी आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द व्यू टेकन एज इट इज़ लाइबल टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, की ये औरतों का जो राइट्स हैं उसको अफेक्ट कर सकती है, और अगर कुछ चेंज लाना भी था तो वो सरकार को लाना चाहिए था, क्योंकि ये काम जो है लेजिस्लेटिव बॉडी का है, हमारा नहीं है। द बेंच आज द सेंटर टू रिस्पॉन्ड, तो फिर बेंच ने कहा कि सेंटर को अब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि ये क्या, उसके लिए सेंटर का क्या स्टैंड है और वो क्या प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, क्योंकि जब ये जुलाई की जजमेंट पास हुई तो एक NGO है न्यायधार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था कि ये जुलाई 27 की जो जजमेंट है, ये जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो वुमेन को प्रोवाइड की गई है इंडियन पेनल कोड में, उसको हटा देगी और वुमेन जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी फर्दर जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है उसको। ठीक है, द एपेक्स कोर्ट हैड ऑल्सो ऑर्डर दैट ट्रायल जजेस शुड क्लोज सेक्शन 498 केसेज बेस्ड ऑन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वंस द पार्टीज हैव रीच्ड अ सेटलमेंट, इन फैक्ट बेल शुड बी गिवन ऑन द सेम डे इट सेड। ठीक है, तो ये 498A में जुलाई वाली जजमेंट में ही उन्होंने बोल दिया था कि अगर जो सारा इशू सॉल्व हो गया है तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया जाए, और अगर पार्टीज रीसेटलमेंट पर पहुँच गई हैं तो सारा बेल वगैरह दे के उस केस को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं,
इंडिया टू स्पीक अप एट बहामाज़ मीटिंग, काउंटर टेररिज्म इज़ ऑन एजेंडा। तो बहामाज़ मीटिंग जो है आपकी, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग है। कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं आपकी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिन पे कभी ना कभी यूके की जो कॉलोनीज़ रह चुकी हैं, तो उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लॉ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग है बहामाज़ में। तो इंडिया के जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, वो वहाँ पर जाएंगे। तो इंडिया का मेनली जो इशू जो इंडिया उठाने वाला है, वो मेनली टेररिज्म मेजर्स, जो रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो इंटरनेट को यूज़ करके रेडिकलाइज किया जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर मेनली मेजर लिया जाएगा, ठीक है। साइबर क्राइम्स को कैसे कम किया जाए, और चाइल्ड मैरिज, ये सब जो मुद्दे हैं वहाँ पर हमारी सरकार उठाएगी। तो जब ये मीटिंग होगी तब हम आगे देख लेंगे। एक करप्शन का अपने पास बहुत इशू रहता है, तो आज ये एक न्यूज़ थी और मुझे लगा कि आपको जाननी चाहिए। काफ़ी अच्छा जो स्टेप है सरकार का वो है, तो मेडल्स ऑफ 3 पुलिसमैन विड्रॉन, ठीक है। तो गैलेंट्री मेडल्स दिए गए थे 3 पुलिस वालों को, लेकिन उनके जो गैलेंट्री मेडल्स हैं वो विड्रॉ कर लिए गए हैं, क्योंकि उन पे जो ये पाया गया कि वो तीनों करप्शन और अदर केसेस में इन्वॉल्व थे। तो होम मिनिस्ट्री ने जो ये गैलेंट्री मेडल्स जो उन्हें दिए थे वो वापस ले लिए हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा मेजर है, ये बाकी के पुलिस ऑफिसर्स पे भी एक डेटरेंस का इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपकी प्रेस्टीज को हर्ट करता है, ठीक है। आपको एक प्राइड मिलता है, आपको एक मेडल मिलता है जब, और अगर वो मेडल आपसे ले लिया जाए तो वो आपकी प्रेस्टीज को हर्ट करता है, और ये बाकी पुलिस वालों के लिए भी एक डेटरेंस बनेगा जो करप्शन को कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, US विल नॉट सर्टिफाई ईरान न्यूक्लियर डील, सेज ट्रंप। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि US, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि हम नहीं सर्टिफाई करेंगे। अक्टूबर 15 की इसकी लास्ट डेट थी सर्टिफिकेशन की, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि हम नहीं इसको सर्टिफाई करेंगे। तो ये कुछ बातें बोली हैं उन्होंने, याद रखनी अपने लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने बस वैसे ही कवर कर ली हैं। टर्मिंग ईरान द वर्ल्ड्स लीडिंग स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है लीडिंग स्पॉन्सरर है टेररिज्म का। ब्लेम्ड हिज प्रीडिसेसर बराक ओबामा फॉर साइनिंग द डील व्हेन सैंक्शंस वर लीडिंग टू अ टोटल कोलैप्स ऑफ द ईरानियन रिजाइन। तो इन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि ओबामा की गलती है ये सारी, ओबामा ने उस टाइम पे ये सैंक्शंस हटा लिए जब ईरानियन रिजाइन कोलैप्स होने वाली थी, जब ये सैंक्शंस अपना अल्टीमेटली रिजल्ट देने वाले थे, उसी टाइम इन्होंने ये सैंक्शंस हटा लिए। द ईरान डील वॉज वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट वन साइडेड ट्रांजेक्शन दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैव एंटर्ड इनटू। तो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से यही कहना आया है कि जो ये डील है इससे US को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ ईरान को फ़ायदा हो रहा है। ही लिंक्ड ईरान टू अ लिटनी ऑफ टेररिज्म इंसिडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड दैट टारगेटेड द US एंड इट्स एलाइज। तो सऊदी अरेबिया, इसराइल जो है वो कंटिन्यूसली US को प्रोवोक कर रहे थे कि आप ये डील हटाओ, ये डील हटाओ। तो US ने कहा कि भाई हमारे एलाइज के साथ थोड़े पंगे ले रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये डील जो है ख़त्म करनी पड़ेगी। ईरान हैज सेड इट वुड नॉट रीनेगोशिएट द डील। तो ईरान ने भी बोल दिया कि भैया अब ये नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम भी रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, हटानी है तो हट जाने दो। बाकी की जो 5 कंट्रीज़ थी इस डील में, उन्होंने उनको तो कोई इस डील में कुछ कमी दिखी नहीं, तो वो US को थोड़ा सा बोल रहे हैं कि भैया ये क्या डील, तो कुछ कम नहीं है। तो ये भी एक इशू है। प्यूनिटिव मूव्स अगेंस्ट ईरान फॉर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट एंड प्रोलीफरेशन मटेरियल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेररिज्म। तो US ने ये सब बोला है कि भैया ये सब कर रहे हैं ये, ठीक है, और एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, असद रिजाइम जो सीरियन रिजाइम है जिसके अगेंस्ट है US, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनरिलेंटिंग हॉस्टिलिटी टू इसराइल, इसराइल को हॉस्टिलिटी दिखा रहे हैं जो US का एलाय है। कंसिस्टेंटली थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, साइबर अटैक्स अगेंस्ट द US, इसराइल एंड अमेरिकाज अदर इसराइल एंड पार्टनर्स ऑफ द मिडल ईस्ट, ग्रीवियस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ फॉरनर्स इंक्लूडिंग US सिटीजन्स ऑन स्पीशियस चार्जेस एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो ये सारे जो चार्जेस हैं US ने ईरान के ऊपर लगाए हैं। इस्लामाबाद टू रिवाइव टॉक्स ऑन टेरर, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों में काफ़ी झाड़ लगी है US से भी कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई टेररिज्म कम नहीं हो रहा है, चलो हम तुम्हें जो एड वगैरह देते थे कुछ नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो रिवाइव करेंगे पाकिस्तान लेड क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप को, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ये 2-3 साल पहले बनाया गया था, जिसमें काम मेनली क्या था कि तालिबान को टॉक्स में लेके आया जाए, जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको टॉक्स में लेके आया जाए, ताकि जो पीस प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए और एक सिंगल गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान में बनाई जा सके। इस ग्रुप में और भी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, वो हैं आपकी US, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज़ हैं। अब इनकी जो ये क्वाड्रिलेटरल आपका है, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, इसकी मीटिंग कराने की बात की जा रही है ओमान मस्कट में अक्टूबर में, ठीक है। तो पाकिस्तान ये इसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है कि वो रिवाइव कर सके QCG प्रोसेस को, जो आपका ये प्रोसेस है उसको पुश कर रहा है काफ़ी ज़्यादा।
Because it may be a reaction to the growing number of strong statements from the US accusing its intelligence agency ISI of supporting terrorism in the neighborhood. ठीक है, तो काफ़ी झाड़ लगी है पिछले कुछ दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको ठीक करने के लिए ये किया जा रहा है. द अनाउंसमेंट ऑफ द QCG मीटिंग केम इवन एज सीनियर MEA ऑफिशियल्स ट्रेवल टू मॉस्को टू अटेंड द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन वेडनेसडे, अ फर्स्ट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान हु बिकेम मेम्बर्स ऑफ रशिया. तो अभी जो ये आपका चल रहा है QCG, ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट आ गई है उसके चलते हुए, क्योंकि अभी आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एक मीटिंग चल रही थी अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को लेके आने के लिए, जो इंडिया और पाकिस्तान की पहली मीटिंग थी इस सबसे रिलेटेड, क्योंकि ये पिछले ही साल आपके जो दो कंट्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर्स बने हैं जिसको लीड करता है रशिया और चाइना. इंडिया शेयर्ड इट्स पर्सपेक्टिव ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग टेररिज्म इम्पोज्ड फ्रॉम बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, द नीड टू स्ट्रेंथन अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, नीड फॉर एन असम अफगान लेड एंड कंट्रोल पीस एंड रिकन्सिलिएशन प्रोसेस. ठीक है, तो MEA ने ये स्टेटमेंट दे दी है. आप देख रहे हैं ना कितनी बारीकी से ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं. ठीक है, आप अगर न्यूज़ चैनल्स देखें तो वो कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं. तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ये आपकी आंसर राइटिंग, जो आप GS मेंस के लिए आंसर राइटिंग करोगे उसको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आपको एक आइडिया लगेगा कि आंसर्स में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है खुद को. ठीक है, मीडिया जैसे रिप्रेजेंट करती है वैसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, ऑफिशियल्स जैसे अपने आपको रिप्रेजेंट करते हैं आपको वैसे रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट देख लेते हैं GS3 में फटाफट से. तो डिफेंस का टॉपिक, सिक्योरिटी का टॉपिक अपने पास GS3 में रहता है. तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो गई है. तो ये इंडिया श्रीलंका की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, जिसका नाम है, याद रख लेना, प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सरसाइज भाई कौन से देश के बीच में होती है. तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, एयरफोर्स की नहीं है, नेवी की नहीं है, किसकी है, मिलिट्री की है. ठीक है, तो और फिफ्थ है ऐसी, पहली नहीं है. तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो गई है, कहाँ पर, पुणे में की जाएगी, ये याद रख लेना. ठीक है ना, ये मेनली जो इसका एम रहेगा वो रहेगा टेररिस्ट ऑपरेशंस, और इन्फेंट्री कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इसमें. नेक्स्ट देख लेते हैं एनुअल दिल्ली सेमिनार. तो 10th अक्टूबर की न्यूज़ में हम ये एनुअल दिल्ली सेमिनार जो है वो कवर कर चुके हैं. उसमें मैंने आपको ये एनुअल दिल्ली सेमिनार का कुछ ये बताया था कि एनुअल दिल्ली सेमिनार इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये दिल्ली में किया जाता है. तो सॉरी, वो मेरी गलती थी, उस टाइम पर मेरे पास ये डाटा नहीं था. तो ऐसा नहीं है कि इसका एनुअल दिल्ली सेमिनार इसीलिए नाम है क्योंकि इसको दिल्ली में किया जाता है. ये जो सेमिनार है ये आपका होता है माउंट दिल्ली. माउंट दिल्ली आपका एक जो है वो लाइट हाउस है, वो एजिमेला में है, केरला में. ठीक है, और वहीं पे ये सेमिनार होता है जिसकी वजह से इसको दिल्ली सेमिनार कहा जाता है. तो द इंडियन नेवल एकेडमी क्रिस्टेंड द एनुअल सेमिनार एज अ दिल्ली सीरीज आफ्टर माउंट दिल्ली लोकेटेड एट एजिमेला केरला, विच हैज़ बीन अ विटनेस टू द डेवलपमेंट ऑफ मेराइन हिस्ट्री ऑफ द रीजन. ठीक है, क्योंकि सी कोस्ट पे है तो मेराइन हिस्ट्री से उनका काफ़ी ज़्यादा लिंक है. द लिटरेचर इन द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो माउंट दिल्ली है, मैं आपको बता चुका हूँ, रिफ्लेक्ट्स द नीड टू लुक बैक टू सी फॉरवर्ड. The initiative taken by the INA as the Center for Shaping Future Naval Leadership has been an enriching experience, and the Delhi series promises to become an important event in कैलेंडर ऑफ मेरी टाइम हिस्ट्री स्टडीज ऑफ दी कंट्री. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें. मेनली जो इसमें मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि ये जो माउंट दिल्ली है ये दिल्ली सेमिनार नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दिल्ली में होता है, होता ये एक्चुअली केरला में है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2017. तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है, थर्ड एडिशन है, चेन्नई में हो रहा है. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है वो मेन कोऑर्डिनेटर रहेगा. थीम जो रहेगी वो साइंस फॉर न्यू इंडिया रहेगी. हाइलाइट्स क्या हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में जो इंडिया के आसपास के नेबर्स हैं उनके साथ बात की जाएगी. ठीक है, और देखा जाएगा कि क्या हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में और कैसे लाइफ को हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने में. सेंसिटाइजिंग यूथ टू फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट. तो इसमें जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लाइमेट चेंज, स्वच्छ भारत, ठीक है, तो इन सब को हाईलाइट किया जाएगा और यंग साइंटिस्ट जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इन स्कीम्स से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट्स कर सकें. नेक्स्ट, साइंस विलेज पार्लियामेंट टू पंचायत. ठीक है, द साइंस विलेज इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल इंडिया एंड मेक देम अवेयर ऑफ इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फ्रंटियर एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो रूरल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये साइंस विलेज पार्लियामेंट टू पंचायत जो है ऑर्गेनाइज किया गया. नेक्स्ट देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही था दोस्तों.
तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप क्विज़ क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार सॉल्व करने की मैं बात आपको कह रहा हूँ कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्विज़ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जो है आपको हाईलाइट हो रही होगी, तो इसको क्लिक कर कर आप जो है मेरी प्रीलिम्स क्विज़ की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्विज़ के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के, अगर आप 2018 में टारगेट कर रहे हैं टेस्ट देने का, क्योंकि ये आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है, कहाँ तक आपको और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, कितने एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत है, क्या आपकी कमी है तैयारी में। तो आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच मिल जाती है आपकी तैयारी की। और इस वेट में मत रहना कि प्री से एक महीना पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, अभी से उसको स्टार्ट कर दो। थैंक यू वेरी मच।